कुत्ते पकड़ने की गाड़ी। मार्कापुर गांव में कुत्ते बेशुमार थे। वे बाइक में जाने वाले का पीछा करते, कार का पीछा करते, कोई पोशाक अलग पहने तो उसका पीछा करते थे। सवेरे सवेरे कहकर चिल्लाते तो लोगों का नींद टूटकर करवटें बदलते रहते। उस गांव में कुत्ते पकड़ने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था पांडू। वो लालची था। एक दिन उसे पंचायत अफसर ने बुला भेजा। पांडू, गांव में कुत्तों की मुसीबत बढ़ गई है, कंप्लेंट भी बढ़ गए हैं। तुम उन्हें पकड़कर गोदाम में डाल दो, इसीलिए बुलवाया है। कुत्ता, बिल्ली, सांप हो या बिच्छू, उन्हें पकड़ने के लिए हर किसी को पांडू कॉन्ट्रैक्टर के पास ही आना होगा। सर जी, कहिए, कुत्ते का क्या देंगे? वही जो हर बार देते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। बड़े कुत्ते का 20 रुपए और छोटे कुत्ते का 10। सर वो दिन गए, वो पुराना रेट है, अब रेट बदल गया है। बड़े कुत्ते का 40, वही अगर नर हुआ तो 5 रुपए ज्यादा, छोटे कुत्ते का 20, पागल कुत्ता हो तो 50 रुपए, इसके ऊपर GST एक्स्ट्रा लगेगा, भूलना नहीं। मंजूर हो तो बोलें, वरना भूल जाएं। अफसर के पास मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बाद में गाड़ी में कुत्तों की तलाश में वो गांव भर घूमने लगा। उसके बहुत ढूंढने पर भी एक भी कुत्ता नहीं दिखा तो कहकर भौंकने लगा, पर जवाब में कोई कुत्ता नहीं भौंका तो वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में एक व्यक्ति स्कूटर में वहां जा रहा था। उसे देखते ही पांडू को एक उपाय सूझा। उसे रोककर, आप गांव में नए आए हैं क्या? आप नहीं जानते? हाँ, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ, क्या नहीं जानता? कल रात को एक पागल गांव में छुरा लेकर आया है। उसने लाल रंग के स्कूटर देखा तो गुस्से में आ जाता है। कल यूं ही 2 व्यक्ति जो लाल रंग के स्कूटर पर जा रहे थे, उसने उनका पीछा किया और छुरा घोंप दिया। अरे बाप रे, तो अब मैं क्या करूं? आपके पास 2 रास्ते हैं। एक स्कूटर को यहीं छोड़कर पैदल जाएं, दूसरा स्कूटर को तेजी से भगाकर यहां से चले जाएं। दूसरा ही ठीक है, कहता हुआ स्कूटर को स्टार्ट किया और तेजी से जाने लगा। बस तब तक ना दिखने वाले कुत्ते उसके पीछे पड़े। वो बाप रे, बचाओ, कुत्ते पड़े हैं, चिल्लाते हुए जाने लगा। उसका तरकीब कामयाब होने पर खुश होकर कुत्तों के पास जाकर आ आ आ आ कहकर बिस्कुट डालने लगा। यूं उन्हें दिखाकर बिस्कुट को गाड़ी के अंदर फेंका। कुत्ते बिस्कुट के लिए गाड़ी के अंदर कूदे तो पांडू ने दरवाजा बंद कर दिया। बाद में उन्हें एक गोदाम में छोड़ा। फिर अफसर से जा मिला और, सर पूरे 10 कुत्ते पकड़े हैं, 950 रुपए हुए हैं। उन्हें गोदाम में रखा है ना, शहर से डॉक्टर और चेकिंग इंस्पेक्टर आकर उन्हें देखेंगे, डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाएंगे। इस दौरान तुम जितने कुत्ते पकड़ सकते हो पकड़ो। बाद में पांडू गोदाम में जाकर उन कुत्तों को छोड़ दिया। वे फिर गांव में चले गए। अगले दिन फिर कुत्ते पकड़ने लगा। बिस्कुट डालकर आ आ करके बुलाया। गाड़ी में बिस्कुट डालते ही कुत्ते कूदकर गाड़ी के अंदर चले गए। उनमें जमींदार का कुत्ता भी था। जमींदार उसे ढूंढते हुए टॉमी टॉमी कहकर वहां आया। ए, मेरे टॉमी को देखा है? टॉमी को भी अंदर डाला है क्या? वो क्या, वो मेरे टॉमी लगता है? वो आपका टॉमी नहीं है सर, कोई आवारा कुत्ता है। लगता है टॉमी का डैडी ही इसका डैडी है। टॉमी अभी अभी इस तरफ से गया है, शाम तक लौट आएगा। शाम तक लौटेगा? किसने कहा? टॉमी ने कहा, कहकर वहां से चला गया। शाम को फिर अफसर के पास जाकर पैसे लिया, फिर कुत्तों को छोड़ दिया।
बाद में कुत्तों को इतनी आदत पड़ गई थी कि पांडू की गाड़ी आते ही कुत्ते अपने आप जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते। इस तरह हर रोज अफसर के पास पांडू पैसे ऐंठने लगा। एक दिन यूं ही कुत्ते की गाड़ी में गांव आया। कुत्तों को देखकर आ आ आ जल्दी चलते हैं, आ जाओ आ आ कहकर बुलाने लगा। लेकिन वे गाड़ी को देखकर भौंकने लगे पर गाड़ी के पास नहीं आए। पांडू समझ नहीं पाया कि वे गाड़ी की ओर देखकर भौंक क्यों रहे हैं। उसने गाड़ी की ओर देखा, बस गाड़ी में से दो व्यक्ति उछलकर कलाबाजी करते हुए नीचे उतरे। उनमें अफसर भी था। क्यों रे पांडू, तुम पर भरोसा करके एक काम सौंपा तो तुमने धोखा दिया। जानते हो मैं कौन हूँ? चेकिंग इंस्पेक्टर। वैसे इस सारे गांव में 20 से ज्यादा कुत्ते नहीं हैं, और तुमने रिकॉर्ड में ये बताया कि तुमने 500 कुत्ते पकड़े हैं। चुपचाप जो पैसे लिए हैं उन्हें लौटाओ और चलो जेल की हवा खाने। यूं उसे ले जाने लगे तो कुत्ते करके भौंकने लगे। शेर नकरेकल नाम के गाँव में अंजी नाम का एक युवक रहता था। उसको जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास पप्पी, भैंसा, बकरा ऐसे कई जानवर थे। एक दिन वो जंगल के रास्ते जा रहा था, अचानक ही उसे शेर का दहाड़ सुनाई दिया। वो डर के इधर उधर देखा तो एक शेरनी अपने पिल्लों के साथ उसे दिखा। थोड़ी देर में वो शेरनी शिकार करने थोड़ी दूर चली गई। अंजी ने सोचा, अरे वाह ये बच्चे कितने सुंदर है। अच्छा शेर को शेर की तरह ही क्यों पाले, एक कुत्ते की तरह या बिल्ली की तरह इसे भी एक साधु जंतु क्यों ना बनाया जाए। मैं इसे उसी तरह पालूंगा, फिर देखते हैं। फिर वो चुपके से गया और एक शेर के बच्चे को उठा ले गया। फिर उसे गांव के बाहर एक पुराने घर में उसने छुपा दिया। हर रोज उसे दूध पिलाता था। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे सब्जियां और फल वगैरह खिला के वो पालने लगा। इसके साथ साथ वो शेर के बच्चे के साथ बॉल वगैरह खेल के आनंद लेता था। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा जवान शेर बन गया। वो जोर से दहाड़ता था तो उसकी आवाज सुनकर पास के घर वाले उस घर पर एक दिन आ पहुंचे। उन्होंने अंजी से पूछा, क्यों भाई अंजी, रोज यहाँ तुम क्या करने आते हो? इस पुराने घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस घर से हमें शेर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे मैं तो मिमिक्री प्रैक्टिस करने यहाँ आता हूँ, अलग अलग जानवरों की तरह बोलना मैं सीख रहा हूँ। शेर की दहाड़ तो मैंने ही मारी थी, आपको सुनाता हूँ। यहाँ कोई शेर वेर नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए जाइए अपना घर जाइए। शेर को इस तरह से पाला था कि वो एक पालतू जानवर बन गया था। एक बार अचानक से एक चूहे का सामना हुआ तो वो शेर डर के वहां से भाग गया। एक बार एक चोर ने राजमहल से भेष कीमती सामान चुरा लिया। सैनिकों ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगे। वो सैनिकों से बचते हुए आकर उस पुराने घर में घुस गया। सैनिक वहां पहुंचे, इधर उधर देखे, वो नहीं मिला तो वहां से चले गए। अंदर एक कुर्सी पर बैठकर वो चोर सोचने लगा, अरे बाप रे, आज तो मैं पकड़े जाने वाला था, इस घर के वजह से मैं बच गया। मामला ठंडा होने तक मुझे यहीं छिपके रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सुस्ता रहा था, अचानक से उसे शेर का दहाड़ सुनाई दिया। वो पीछे मुड़ के देखा तो सामने शेर को खड़ा पाया। शेर भी उसे देखकर दहाड़ा। बस वो एक तरफ और शेर दूसरी तरफ, दोनों भाग गए। उसके चुराए हुए सारे सामान वहीं गिर गए। डरा हुआ शेर गांव के रास्ते दौड़ने लगा। शेर का सामना हुआ तो साइकिल पे से एक वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसे चिल्लाकर नीचे गिरते हुए देखकर शेर और ज्यादा डर गया। एक स्कूटर वाले से सामना हुआ तो अरे बाप रे शेर, वो भी नीचे गिर गया धड़ाम से। एक और आदमी डर के करंट पोल चढ़ गया। फिर शेर आहिस्ता आहिस्ता एक नाई के दुकान में जा घुसा। एक बंदा कटिंग करवा रहा था, एक बंदा बाल कटवा रहा था। शेर से वो अनजान था, उसने बोला, कटिंग प्रभास की तरह करना।
अरे मैं जो करता हूँ ना, फिर देख लेना, कल से आपको सब प्रभास प्रभास बुलाने लगेंगे। इतने में शेर ने जोर का दहाड़ मारा। अरे क्या भाई, मैंने कहा रेडियो में गाने लगाओ, तूने शेर की प्रोग्राम क्यों लगा दी? अरे स्टेशन बदलो और गाने लगाओ ना भाई, बाल कटाने वाले ने कहा। नाई पीछे मुड़ा तो सामने शेर को पाया। जोर से उसने अरे बाप रे शेर करके चिल्लाया। उसके चिल्लाने से शेर डर गया। फिर उस दुकान में से निकलकर शेर एक तरफ और वो एक तरफ भागने लगे। शेर कहीं जाकर रुका, दो कुत्तों ने उसे देखा और जोर से भौंकने लगे। बस शेर डर के वहां से पलायन करे और कुत्ते उसका पीछा करने लगे। इधर अंजी को घर में शेर नहीं दिखा तो दौड़ते दौड़ते वो गांव में उसे ढूंढने लगा। इस तरफ वो शेर दौड़ते दौड़ते सीधा राजसभा जा पहुंचा। उसे देखकर सैनिक अरे बाप रे चिल्ला के वहां से भाग गए और महाराज सिंहासन पर चढ़ के बैठ गए। शेर शेर, अरे बाप रे, कौन है वहाँ? अरे सैनिक कहाँ चले गए? पास के सिंहासन पर मंत्री खड़े थे, उन्होंने कहा सैनिक तो काफी पहले ही भाग गए महाराज, किसी और को बुला लीजिए। वो कांप रहे थे। मैं और किसे बुलाऊं? इतने में अंजी वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा। अंजी को देखकर शेर बहुत खुश होकर दहाड़ा और धीरे धीरे अंजी के पास आ पहुंचा। अंजी उसके सर पे हाथ फेरता हुआ बोल रहा था डर गए थे मेरे बेटे, डरने की कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं आ गया हूँ ना। अरे शेर क्यों डरेगा, क्या हो रहा है यहाँ? मूर्ख, हम डर के मारे कांप रहे हैं, तुझे ये दिख नहीं रहा है क्या? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। और फिर उसने पूरी कहानी महाराज को सुनाई। अरे ये क्या कर दिया तुमने, कोई शेर को भी पालता है क्या? अरे जिस जानवर को जहाँ पलना चाहिए वहीं पलना चाहिए, तेरे वजह से शेर तो खुद ही भूल गया है कि वो शेर है। तुमने कितनी बड़ी गलती किया है पता है? अभी इसे जंगल में छोड़ने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद महाराज ने कुछ दिनों तक उसे एक पिंजड़े में रखा और उसे मांस खाने का आदत डलवाया और उसके बाद उस पिंजड़े के साथ शेर को लेकर वो जंगल आ पहुंचे। फिर जैसे ही पिंजड़े का द्वार खोल दिया, शेर जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर अंजी और महाराज बहुत खुश हुए। फिर जिस पोटले को चोर ने छोड़ दिया था उसे महाराज को देकर अंजी ने बढ़िया इनाम भी कमाया।